हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं होममेड बाय अमिता। आज हम देखेंगे ऐसे मंदिर के बारे में जिसका आर्किटेक्चर किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर ने नहीं बनाया है, बल्कि एक 10वीं पास लड़के ने बनाया है। यह एक पहले उसने कागज पर बनाया, फिर इसे मंदिर का रूप दे दिया गया। यह गुजरात में अहमदाबाद सिटी से 90 किलोमीटर दूरी पर है। यह एक लोटस की शेप का बना हुआ है। इसके चारों तरफ पानी है, जैसा कि लोटस के चारों तरफ पानी होता है वैसा ही वहाँ पर पानी है। उसमें बोटिंग की जा सकती है और 3-4 घंटे व्यतीत करने के लिए बहुत ही शानदार मंदिर है। यह एक मंदिर स्वामी नारायण जी का मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी गई है, लाइटिंग शो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने पे बहुत सुंदर लगेंगी। और आपको आएंगे तो आप ऐसा लगेगा कि हमारे टाइम है जो बहुत ही अच्छी जगह व्यतीत हुआ है भगवान की। मतलब आप देखेंगे कि कितना सुंदर मंदिर है, जैसे नई टेक्नोलॉजी और पुरानी संस्कृति का संगम एक साथ ही हो गया है। ये इसके दो द्वार हैं, जैसे कि एक इधर की साइड से जा सकते हैं और एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये इसका नीचे की है जो है पानी है, जहाँ पे बोटिंग की जा सकती है। ये नीचे उतरने का रास्ता है। और ये जो आप देख रहे हैं कलश, ये ऐसे 35 कलश है पूरे मंदिर में, जिसकी जहाँ पर सामने मूर्ति लगी हुई है और गणेश जी की मूर्ति और अन्य तरह के भगवान जो भी अपने 36 करोड़ देवी देवता हैं उनकी किसी न किसी की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है या मूर्ति लगी हुई है। आप ये देखेंगे आर्किटेक्चर कितनी अच्छे से बनाया गया है। ये जो कलश देख रहे हैं ये ऐसे लाइन बाई लाइन 35 कलर्स कलश है। इसमें जैसे पानी है, इसमें बोटिंग की जा सकती है। अभी आप ये देख पा रहे हैं वीडियो में स्वामीनारायण जी का है मेन जो खंड है, स्वामीनारायण जी का है। उसके बाद में लेफ्ट में है सीताराम का मंदिर, उसके बाद में राधा कृष्ण का मंदिर। और ये आर्किटेक्चर आपको पूरा मंदिर जो मेन पार्ट है जो उसका गोल्ड से बना हुआ है, और जो बाहर का पार्ट है वो गोल्डन कलर से पुता हुआ है। ये नीचे का फ्रेम है जिसमें हम जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने। प्रदर्शनी का टिकट है जो 150 रुपये का है। 150 रुपये में आप पूरे मतलब 3 घंटों में विभाजित है। एक तो लाइट शो है, टनल है, उसके बाद में प्रदर्शनी है। इसमें जैसे प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के जितने भी अवतार लिए गए हों उनको लाइटिंग शो के द्वारा दिखाया गया है। जैसे ये था समुद्र मंथन वाला, अब ये है स्वामीनारायण जी उपदेश देते हुए। उसके बाद में इनको मूर्ति की शेप इतनी अच्छी लगती है जैसे कि आप वहीं पर देख बैठे देख रहे हो। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद में ये स्वामीनारायण जी अपने भक्तों को उपदेश देते हुए और कीर्तन भजन करते हुए। अब आगे की साइड देखते हैं तो इसी में है एक मिरर हाउस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में मिरर हाउस है। इसमें आप जाना संभल के, क्योंकि अगर आप जाएंगे और क्योंकि बहुत ही ऐसे ऐसे लगता है अपन इतनी सारी अपनी इमेजेस दिखाई देती है तो ऐसे लगता है वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। 360 एंगल पर दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है। तो आप थोड़ा संभल के जाइएगा अगर जाते हैं तो। दिखने में बहुत सुंदर है, इतना ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही दुनिया में आ गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का एक अलग ही मज़ा है। फ़ोटो करने पे इतनी अच्छी शानदार, जैसे ये देख पा रहे हैं ना व्यू, इस पर इतनी अच्छी फ़ोटो क्लिक होती है ना, अलग अलग इफ़ेक्ट्स, लाइट के अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यह है मिरर, डिफरेंट टाइप के मिरर है जिसमें आप मोटे दिखेंगे, पतले दिखेंगे, और कहीं में लंबे दिखेंगे, कहीं में छोटे दिखेंगे, कहीं में आप जिगजैग वाली शेप में दिखेंगे, कहीं आप भूत बन जाएंगे, इसमें आपके पैर ज़्यादा बड़े हुए दिखेंगे।
तो आप देख पाएंगे कि मतलब मिरर की भी कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितने अच्छे तरीके से इनको लगाया गया है कि लोग इंजॉय कर सकें और मज़ा ले सके। नेक्स्ट में हम चलेंगे एक नए उसमें। नेक्स्ट आगे भी बहुत सारी एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। कृष्ण भगवान की जितनी लीलाएं उनको दिखाया गया है, जैसे ये नरसिंह अवतार है इसके बारे में बताया गया है, जैसे ये किसी को काट रहे हैं उसका भी अवतार बताया गया है, ये बानर सेना के बारे में बताया गया है जब वो पुल बना रहे थे ये वध करा गया था उसके बारे में बताया गया है। मतलब आप कृष्ण की भगवान की जितनी लीलाएं, जितने उन्होंने अवतार लिए हैं उनके बारे में एक मूर्ति रूमा और एक लाइटिंग शो के बारे में दिखाया गया, आप देखेंगे तो पाएंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप मतलब इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई गई है एक 30-35 एकड़ वाले एरिए में कि आपको पूरे ब्रह्मांड के एक साथ ही दर्शन दिख जाएंगे, मतलब इतना अच्छा बनाया गया है। ये लास्ट है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, नेक्स्ट वाले गेट पर जाएंगे जहाँ से हम नेक्स्ट व्यू देखेंगे। नेक्स्ट व्यू में है जैसे यहाँ से एक नीचे की जगह तरफ है ये, यहाँ पर अलग अलग हथियार है जो लकड़ी से बनने वाले, पहले जो पुराने आदिवासी लोग रहते थे वो कैसे हथियारों का यूज़ करते थे उसके बारे में बताया गया। ये अलग ही एग्जीबिशन लगी हुई है जो पुराने उन नए टेक्नोलॉजी को एक साथ लगा हुआ है। ये एक्वेरियम लगा हुआ है जिसमें अलग अलग फिशेस के बारे में बताया गया है, इसमें है अलग अलग कंट्रीज़ के नोट हैं, करेंसी है, कॉइन्स हैं वो रखे हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हैं। और यहाँ पे बहुत ही मस्त आर्किटेक्चर बना हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्लासेस में बनाया गया है जिससे कि लोग तोड़े नहीं और अच्छे से देख पाए। ये राउंड पूरा राउंड है, जैसे कि आप गोल गोल पहुँच चलते 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 गोल गोल आप उसी जगह पहुंच जाएंगे। ये देखिए मूर्ति वगैरह, ये एक्वेरियम के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये है अलग अलग फिश है यहाँ पे मल्टी कलर की है। और आप ये जब आप वीडियो में देख रहे थे इतना सुंदर लग रहा है, जब आप रियल में देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लग रही थी ये फिशेस, अलग अलग टाइप की है इनको टच करने पर। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा गोल है, अब जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं पर लास्ट में पहुँच जाएंगे। ये है लास्ट, ये बाहर निकल के आ गए हैं हम लोग बाहर से। ये जैसे ये कलश है, ये गार्डन है पास में, और ये ब्रज है, ब्रिज के पास में हम जाके नेक्स्ट टनल की साइड जाएंगे जिसमें हम साइंस सिटी की तरफ जा रहे हैं। साइंस सिटी में साइंस शो है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी जो पहले लॉन्च हुई थी उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि ये है गेम, मैंने और मेरे पार्टनर की ने इस गेम को खेला था, जैसे ये इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट हो रही है इसके बारे में बताया गया है। ये है गेम क्रॉस एंड जीरो वाला जो गेम है जो अपन बचपन में खेलते थे, वो हमने वहाँ पर खेला क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ था, तो बहुत मज़े आए थे हम लोगों को यहाँ पे खेलने में। देखिए यो, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि ये है ना वर्णिन धाम का मॉडल है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी जगह क्या है। जैसे हम छोटा सा फ्रेम बनाते हैं ना कि फिर उसको बड़ा रूप देते हैं, ऐसा ही ये छोटा फ्रेम है वर्णिन धाम का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप उसको चारों तरफ से देखते हैं तो कितना मस्त लग रहा है। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जहाँ तक आप ये वीडियो में पहुँच गए होंगे
तो पहले ये बताइए कि इसमें बोतल बनाई गई थी या पहले ही पलंग बनाया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं, मैं एलईडी शो में, ये एलईडी शो है जिसमें साउंड और ये बल्ब एलईडी का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप देखते ही डांस करने का मन करेगा। इतना लाउड म्यूजिक और इतना मस्त अच्छा लगता है कि मस्त मज़े आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब इसमें से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और ट्रेन में करेंगे जो टनल में है। यहाँ पर दो टनल है जिसमें एक तो हॉरर टनल है और एक नेचुरल टनल है जिसमें कृष्ण भगवान की सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ये भेड़ बकरी बैल और ये साधु महात्मा हैं इनके बारे में, और कितनी सुंदर लग रही है टनल इसकी। ये पूरा अंदर अंडरग्राउंड बना हुआ है पूरा के पूरा ही मस्त वाला। आपको मैं साउंड सुनवाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि कितनी मस्त लग रही है। और ये बाहर हम बाहर निकल के आ गए हैं, ये मतलब दो पार्ट में, एक हॉरर टनल एक नेचुरल टनल, जिसमें बाहर की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट हॉरर टनल में जा रहे हैं हम। हॉरर टनल में जाने के बाद ये नेक्स्ट ऐसे लगता है जैसे कि कोई हमें भूत पकड़ रहा है, भूत प्रेत वाली फीलिंग आती है। सच्ची में बहुत हॉन्टेड होता है ये वाला प्लेस। नेक्स्ट व्यू है मल्टी मीडिया लेजर शो एंड 3D वॉलपेपर प्रेजेंटेशन। इसमें लेजर शो के बारे में बताया गया है कि कैसे लेजर शो होता है एंड और गुरुजी की जीवनी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं इंजॉय पार्क की, और इसमें यहाँ का व्यू, एक ब्रिज है वहाँ पे आप फोटो क्लिक करवाएंगे, देख पा रहे होंगे कितनी मस्त फोटो आई है। इसके बाद में है पार्क, पार्क में आप बहुत सारे झूले, आप मस्त हो के 2-3 घंटे यहाँ व्यतीत करिए, एक बच्चे वाली फीलिंग आ जाती है कि कितने अच्छे से इंजॉय करते हैं हम। एक बच्चा बन के मस्त इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे, मैं कितने मस्त तरीके से झूला झूल रही हूँ। और ये है वापस जाने का, जिससे हम वापस से मेन एंट्रेंस की तरफ आ जाएंगे। ये है पूरा मंदिर, जैसे कितने मस्त मंदिर बना हुआ है यार, देखते ही मस्त मजे आ गए थे और पूरा दिन इतना अच्छे से निकला, मौज मस्त। इसकी टाइमिंग के बारे में मैं आपको वापस से बता दूँ, ये 11 बजे मतलब एग्जीबिशन के लिए तो ओपन होता है 11 बजे, और वैसे इसकी मंदिर की जो टाइमिंग है वो 5:30 से 7 बजे 8 बजे तक है। और सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, जिससे आप जानकारी ले लेना। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, एंड फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय 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 बाय।